8 मार्च को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस दिन आपको वुमेन्स डे के मैसेज, सोशल मीडिया पर महिलाओं की इंस्पिरेशन स्टोरीज और शायद ऑफिस में कुछ गिफ्ट्स भी मिलते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महिला दिवस मनाने की शुरुआत कैसे और कहां हुई? नहीं ना, आइए मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे एक आंदोलन से शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत साल 1908 में हुई थी, जब 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकालकर नौकरी में कम घंटों की मांग की थी। इसके अलावा उनकी मांग थी कि उन्हें बेहतर सैलरी दी जाए और वोट करने का अधिकार भी दिया जाए। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। इसे अंतर्राष्ट्रीय बनाने का आइडिया भी एक महिला का था, जिनका नाम है क्लारा ज़ेटकिन। 1910 में क्लारा ने कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया। उस वक्त कॉन्फ्रेंस में 17 देशों की करीब 100 महिलाएं मौजूद थीं और उन सभी ने इस सुझाव का समर्थन किया। इसके बाद साल 1911 में सबसे पहले ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। इसके बाद इसे मनाने की परंपरा दुनिया के बाकी देशों में भी फैल गई। साल 1975 में महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता दी गई और संयुक्त राष्ट्र ने इसे वार्षिक तौर पर एक थीम के साथ मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की पहली थीम थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। अब मैं आपको बताती हूँ कि महिला दिवस 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। दरअसल क्लारा ज़ेटकिन ने महिला दिवस मनाने के लिए कोई तारीख पक्की नहीं की थी। 1970 में युद्ध के दौरान रशिया की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी खाना और शांति की मांग कर हड़ताल की थी। हड़ताल ने वहां के सम्राट निकोलस को पद छोड़ने तक के लिए मजबूर कर दिया और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया। उस समय रशिया में जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। जिस दिन महिलाओं ने ये हड़ताल शुरू की थी वो तारीख 23 फरवरी थी। ग्रेगेरियन कैलेंडर में ये दिन 8 मार्च था और उसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाने लगा। कई देशों में इस दिन नेशनल हॉलीडे होती है। रशिया और दूसरे कई देशों में इस दिन आसपास फूलों की कीमत भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान सभी महिलाएं और पुरुष एक दूसरे को फूल देते हैं। चाइना के ज्यादातर ऑफिस में महिलाओं को आधे दिन की छुट्टी भी दी जाती है। वहीं अमेरिका में मार्च का महीना वुमेन्स हिस्ट्री मंथ के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन बैंगनी रंग यानी वॉयलेट कलर का रिबन पहनकर महिलाओं के प्रति सम्मान जाहिर करने की भी परंपरा है। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।